आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब प्लास्टिक के खिलाफ मोदी का अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें दुनिया भर के लोग। इसरो लैंडर विक्रम को लेकर उत्साहित, विक्रम टूटा नहीं, चंद्रमा की सतह पर झुका हुआ पड़ा है। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर, कहीं गाड़ियां, कहीं जानवर तो कहीं इंसान बहे। कांग्रेस के राज में डकैत, बबुली के हौसले बुलाए, बंदूक के साथ किया वीडियो वायरल। और एमपी में हुए कई हादसे, सीहोर में 5, टीकमगढ़ में 4 और धार में 3 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा में हो रहे COP14 में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार द्वारा पर्यावरण और धरती को बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील दुनिया भर के लोगों से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी सरकार ने घोषणा की है कि भारत आने वाले सालों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएंगे। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है जब दुनिया के सभी देश इस सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा कह दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी का प्रबंध भी एक अहम मुद्दा है और इसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया है जो पानी से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया गंभीर जल संकट से दौर से गुजर रही है। जब हम मरुस्थलीकरण पर बात करते हैं तो जल संकट जैसी समस्या पर भी विचार करना पड़ता है। हमें जमीन को मरुस्थलीकरण से बचाने के लिए जल संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। I would like to draw your attention to another form of land degradation, which if not prevented, would be impossible to reverse. This is the menace of plastic waste. Apart from having adverse health implications, this is going to render lands unproductive and unfit for agriculture. My government has announced that India will put an end to single-use plastic in the coming years. मोदी ने कहा, भारत की संस्कृति में धरती, जल, वायु और पर्यावरण के संरक्षण की संकल्पना मौजूद है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में साल 2015 से साल 2017 के बीच वनीकरण में 0.8 मिलियन हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सदा से धरती को पवित्र स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में भूमि को माता माना गया है। भारत के लोग सुबह सोकर उठने के बाद धरती को नमन करके दिन की शुरुआत करते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने देशवासियों को एक अच्छी खबर दी है कि चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर खोज निकाला गया है। अच्छी बात यह है कि सिंगल पीस में है, यानी टूटा नहीं है और चंद्रमा की सतह पर झुका हुआ पड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि वैज्ञानिकों की टीम विक्रम लैंडर से संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रही है। विक्रम लैंडर का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर के साथ शनिवार को इसका संपर्क चंद्रमा की सतह से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर टूट गया था। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास नरम भूमि पर था। चंद्र ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर जा रहा है। इसने चंद्रमा की सतह पर लैंडर की एक थर्मल इमेज ली थी। ऑर्बिटर का कैमरा किसी भी चंद्र मिशन में अब तक इस्तेमाल किया गया है सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि थर्मल इमेज से पता चलता है कि लैंडर ने उस जगह के पास एक सख्त लैंडिंग थी जहां इसे उतरने की योजना थी। लैंडर एक ही टुकड़े के रूप में है और उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है। यह एक झुकी हुई स्थिति में है। बारिश का कहर इस कदर बरपा है कि मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई बांधों के गेट खुलने से नदी नाले उफान पर हैं। रपटे पे आए बरसात के पानी के कारण कई हादसों की खबरें सामने आई हैं। पानी का बहाव इतना तेज है
कि इंसान, जानवर, गाड़ियां सब तिनके के समान बहते नजर आ रहे हैं। बरसात से कई जगह हालात बेकाबू हो चुके हैं। आइए देखते हैं कुछ बरसात से कहर के आंखों देखे हाल। यह पहला दृश्य सिवनी का है, जहां रविवार देर रात सिवनी के पुसेरा गांव में उफनता नाला पार करने के चक्कर में एक कार बह गई थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय कार में दो लोग सवार थे। आज सुबह दोनों युवकों के शव मुंगवानी के पास मक्के के खेत में फंसे मिले। सोमवार सुबह नाले के करीब 500 मीटर दूर रेस्क्यू दल को कार दिखाई दी थी। इसके बाद दोनों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दोनों के शव नाले में बहते हुए आगे निकल गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया है। मरने वालों के नाम चंद्रशेखर सनूडिया, जय सनूडिया हैं। यह दूसरा दृश्य मध्य प्रदेश के बैतूल का है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। तेज बारिश के चलते देनवा नदी उफान पर है। बाढ़ आने के कारण बैतूल के छोरी गांव में ग्राम पंचायत भवन के बाहर रखा 4000 लीटर पानी की क्षमता वाला टैंकर तिनके की तरह बहने लगा। अब यह है तीसरा दृश्य। सीहोर में नदी नाले उफान पर हैं। ढाकनी मुगली पुल के ऊपर पानी आ गया है। गांव का सड़कों से संपर्क टूट चुका है। रपटों पर पानी इतना तेज रफ्तार में बह रहा है कि पुलिया पार कर रहा बैल देखते ही देखते तिनके की तरह बहने लगा। चौथा दृश्य जबलपुर का है। नर्मदा के बरगी बांध के पूरे किस गेट खोल दिए गए हैं, जिसके कारण ग्वारी घाट में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नरसिंहपुर के बरमान घाट समेत होशंगाबाद में भी तेज गति से जलस्तर बढ़ गया है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, कुदरत का कहर जारी है। एमपी में बाढ़ जैसे हालात से नर्मदा तटीय क्षेत्रों में प्रशासन का अलर्ट जारी है। नरसिंहपुर, गोटे गांव, डोंगर गांव, ग्वारी समेत कई क्षेत्र डूब की जद में आ गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों के लिए गांव से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। इसके बाद भी ग्रामीण उफनती नदी में नाव चलाकर जोखिम उठा रहे हैं। नदी में आई बाढ़ के बाद ग्रामीण नाव से आवाजाही कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में तीन सिस्टम सक्रिय हैं। रेड अलर्ट का मतलब अत्यधिक भारी बारिश, हरदा, होशंगाबाद, नीमच, मंदसौर, रायसेन, नरसिंहपुर, सीहोर और रतलाम। ऑरेंज अलर्ट मतलब अति भारी बारिश, बड़वानी, दमोह, देवास, धार, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन। येलो अलर्ट मतलब भारी बारिश, भोपाल, आगर, अलीराजपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, गुना, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, मंडला, शाजापुर और सागर सिवनी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा राहुल नगर नया बसेरा बस्ती दौरे पर यहां जल भराव के दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। राजीव नगर झुग्गी बस्ती का पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा निरीक्षण करने के मामले पर रहवासियों ने कहा, 25 साल से बरसात में नेता आते हैं और बड़ी बड़ी बात करके बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाते हैं और समस्या को लेकर लंबे कालखंड तक मौन हो जाते हैं। भारी बारिश से राजधानी की खराब हुई सड़कों को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा को जिम्मेदार बताया। शर्मा ने कहा, सड़कें बता रही हैं भाजपा की असलियत। को हमें झुग्गी मुक्त बनाना है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। माननीय पीसी शर्मा जी इस बारे में पहल कर रहे हैं और हमारा भोपाल विजन डॉक्यूमेंट भी ये कहता है और इसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं ताकि जो गरीब मोहल्ले हैं, इस तरह से सीहोर में भी हमने देखा था, जो मोहल्ला था उसकी वजह से वहाँ पर गरीबों का काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो इसलिए जहाँ जहाँ नाले हैं वहाँ प्राथमिकता के आधार पर लोगों को फिर से बसाने की आवश्यकता है और वो भी मकान उनको जो दिए जाएं, मुफ्त में दिए जाएं, उनका मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर आज सुबह एक कार नाले में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। यह सभी लोग भोपाल से इंदौर जा रहे थे। भोपाल से इंदौर जा रहे लोग एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा सीहोर के पास हुआ, जब इंदौर जा रहे लोगों की कार नाले में गिर गई।
अब तक पुलिस ने 4 शव बरामद कर लिए हैं। ये सभी लोग भोपाल के आशिमा मॉल के सामने बने कार शोरूम में काम करते थे। आज इंदौर में कंपनी की एक मीटिंग होनी थी, इसी सिलसिले में सभी लोग कार में सवार होकर मीटिंग के लिए इंदौर निकले थे। तभी सीहोर के जटाखेड़ा के पास इनकी कार हादसे का शिकार होकर पुलिया से नीचे गिर गई और कार में बैठे 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निकालने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल 4 शव बरामद हो गए हैं, जिनका सीहोर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सभी मृतक जीवन मोटर शोरूम पर काम करते थे। कंपनी के अधिकारी नीरज ने बताया कि ये सभी 5 लोग कार में सवार होकर मीटिंग के लिए आज सुबह निकले थे, लेकिन सीहोर में इनकी कार के पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई और 5 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली के तार से करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि ये लोग चोरी करने के उद्देश्य से बिजली का तार काट रहे थे। अचानक तार में करंट आने से चारों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। टीकमगढ़ में जतारा क्षेत्र के ग्राम कंचनपुरा में बिजली तार से लिपटी हुई 4 लाशें मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। टीकमगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुन्ना लाल चौरसिया ने बताया कि 4 मृतकों में से एक मृतक की पहचान हो चुकी है, जिसका नाम गोकुल कुशवाहा है, जो उसी गांव का रहने वाला है। घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर चारों बिजली तारों की चोरी करने के उद्देश्य से तार काट रहे थे, तभी उसमें करंट प्रवाह हो गया और चारों की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर लाशों के पीएम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ये लोग लंबे समय से बिजली विभाग के तार चोरी करते बेचते देखे जा चुके हैं। हरदा जेल में बंद 229 कैदियों की जान पर उस समय बनाई जब अचानक बारिश का पानी जेल में घुस गया और बैरकों में पहुंच गया। जेल में कुल 2 बैरके ऐसे थे जो पानी में डूबने से बच गए थे। सभी कैदियों को इन 2 बैरकों में शिफ्ट किया गया। मौके का जायजा लेने कलेक्टर और एसपी को भी जेल तक नाव से पहुंचना पड़ा। पिछले 24 घंटों में हरदा में जोरदार बारिश हुई। बारिश का पानी इंदौर हरदा रोड पर बने जिला जेल में घुस गया। भारी बारिश के चलते सुकनी नदी पूरे उफान पर है और नदी का पानी हरदा जेल में घुस गया है। 2 बैरकों को छोड़ दें तो पूरे जेल में पानी भर गया है। एहतियातन सभी कैदियों को इन्हीं 2 बैरकों में रखा गया है। जेल में पानी घुसने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। खुद कलेक्टर एस विश्वनाथन और एसपी भगवंत सिंह नाव में सवार होकर जेल तक पहुंचे और हालात का जायजा लिया। रात 12 बजे से हैवी बारिश कंटिन्यू हुआ था, तो 3:30-4 बजे के बाद इस सुकनी नदी का पानी वाटर लेवल बढ़ना शुरू हुआ और जेल का अंदर में 2 बैरक छोड़ के बाकी बैरक में पानी घुस गया। तो जहाँ पे 2 बैरक है वहाँ पे सब कैदी को रखा गया है। अभी हम देख रहे हैं कि जो पानी लेवल ऑलमोस्ट 2.5-3 फुट नीचे गिर गया। सब कैदी से भी हम लोग बात किया, वहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने बताया कि बीती रात हुई तेज बारिश के चलते सुकनी नदी के किनारे बने जिला जेल में बारिश का पानी घुस गया था। फिलहाल जलस्तर घट रहा है। जेल में कुल 229 कैदी हैं, जिन्हें उन 2 बैरकों में रखा गया है जहां पानी नहीं भरा है। कैदियों के नाश्ते की व्यवस्था की गई है। कैदियों के अलावा जेल अफसरों और कर्मचारियों के परिवार भी जेल परिसर में हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार के झगड़े सुलझा लें तो थोड़ा सा ध्यान कानून व्यवस्था पर भी दे लें। मध्य प्रदेश में एक बार फिर डकैतों और बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। डकैत बबुली कोल का आतंक बढ़ रहा है। बबुली ने अपना बंदूक के साथ एक वीडियो लोगों को भेजा है। बबुली ने एक किसान अवधेश द्विवेदी का अपहरण कर 50 लाख रुपए फिरौती मांगी है। ऐसे में विपक्ष ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आपसी झगड़े और गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसे में एक बार फिर डकैत और बदमाश मध्य प्रदेश में सर उठा रहे हैं। हो सकता है सरकार आप इस बात को ना माने, लेकिन इस दृश्य को गौर से देख लें। ये है डकैत बबुली। मध्य प्रदेश के विंध्या और उत्तर प्रदेश में इसका पर्याप्त आतंक है। इसने ये वीडियो कुछ लोगों को भेजा है। जाहिर है डकैत बबुली आपकी सरकार को चुनौती दे रहा है। देख लीजिए बबुली और उसकी बंदूक को। 5 लाख के इनामी डकैत बबुली कोल ने यह वीडियो खुद बनाया और भेज दिया। इससे पहले बबुली कोल ने सतना के धारकुंडी के किसान अवधेश द्विवेदी का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगी है और आपका सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा है।
बबुली जैसे कई अपराधी कमलनाथ जी आपके राज में सर उठा रहे हैं, वक्त रहते कुछ कीजिए, नहीं तो हालात फिर 15 साल पहले जैसे हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी ट्वीट कर इस घटना को गंभीर बताया है। शिवराज सिंह का कहना है, मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में अपराधों का गढ़ बन गया है। मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके कर्तव्यों की इति समझ लेते हैं। कमलनाथ जी, केवल ट्वीट करके काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए और डकैतों को समाप्त कीजिए। जब से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई है, मध्य प्रदेश फिर से अपराधों के गढ़ में तब्दील हो गया है। नए नए डकैत ग्रोह पनप रहे हैं, अपहरण एक बार फिर से उद्योग का रूप धारण करता जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, केवल ट्वीट कर देते हैं और कर्तव्यों की इति समझ लेते हैं। कमलनाथ जी, केवल ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, अपराधियों को नेस्त नाबूद कीजिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। कमलनाथ जी, इसे भले ही हम विपक्ष की बात कहकर नजरअंदाज कर दें, लेकिन यह हकीकत है कि खुलेआम 50 लाख फिरौती मांगी जा रही है और आप केवल ट्वीट कर अपने कर्तव्यों की इति समझ रहे हैं। सिस्टम को थोड़ी चाबी भरिए, आला पुलिस अफसरों से कहिए कि ऐसी दफ्तरों से बाहर निकले और ऐसे डकैतों और अपराधियों को सबक सिखाएं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरगी बांध के 21 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नरसिंहपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, ऐसे में नर्मदा नदी ने भी विकराल रूप ले लिया है। प्रशासन ने नर्मदा तटों पर निचली बस्तियों को खाली करने और डूब प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नरसिंहपुर जिले में पिछले एक सप्ताह में लगातार जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। छोटी बड़ी नदियां तो अपने उफान पर हैं, वहीं नर्मदा नदी में भी विकराल रूप ले लिया है। बरगी बांध के 21 गेट खुलने के बाद अब नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है और पानी पुलों के ऊपर से निकल रहा है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, निचली बस्तियों को खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं और डूब प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी है। जिले की दो तस्वीरें जिसमें साफ देखा जा सकता है कि नर्मदा अपना कहर किस प्रकार ढा रही है, ये गाडरवारा से तेंदुखेड़ा मार्ग पर बना पुल है जो कि पूरी तरह जलमग्न हो गया है। वहीं दूसरी तस्वीर नरसिंहपुर से रायसेन को जोड़ने वाले चिकोली पुल की है, जहां पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। नर्मदा नदी के उस रूप को देखने से आसपास के इलाकों के लोग आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने हिदायत दी है कि ऐसे तटों के पास ना जाएं जहां दुर्घटना होने के आसार हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा कि झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। भूरिया ने कहा कि बीजेपी ने जो विकास कार्य 15 साल में नहीं किए, वो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 महीने में कर दिखाए हैं। झाबुआ उपचुनाव पर कांतिलाल भूरिया ने कहा, पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किए गए विकास कार्य को देख रहा है।
बीजेपी ने जो काम 15 साल में नहीं किए उसे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 महीने में कर दिया। बीजेपी ने रोजगार गारंटी बंद कर दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह योजना चालू कर दी है। लोगों को हमारी सरकार पर भरोसा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। झाबुआ बाई इलेक्शन आ रहा है और आचार संहिता लगने वाली है, तो उसके बाद ही सब सारे और तैयारी हमारी शुरू हो गई है। वहाँ पर सभी कांग्रेस एकजुट होकर हम वहाँ बाई इलेक्शन जीतेंगे। पीसीसी चीफ हमारे हाईकमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो तय करेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री तो उनके पास अब वो जो सारे तीनों चारों नेताओं के बीच में जो होता है पूरा प्रदेश स्वीकार करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के रेहटी में जन पंचायत को संबोधित किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार को गरीब और किसानों की कोई चिंता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेहटी के सेमरी बाया और बोर्धी में जन पंचायत को संबोधित किया और कमलनाथ सरकार को जमकर घेरा। शिवराज ने कहा कांग्रेस में सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शिवराज ने सरकार की नाकामियां गिनाई और कहा कि मेरे शासन की शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया है। किसानों के प्रति जो यह सरकार लापरवाही कर रही है, किसान को ना तो फसल की कीमत दे रही है और ना ही 2 लाख कर्ज माफ हुआ है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। हमारे क्षेत्र के साथ जो अन्याय हो रहा है, विकास के जितने काम स्वीकृत थे पैसे आ गए थे, निरस्त करके पैसे वापस भेज दिए, चाहे घाटों का निर्माण हो, मंगल भवन हो, सड़कें हो, अलग अलग जितने काम हैं सारे काम निरस्त कर दिए। जितने स्वीकृत काम थे, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल बंद हो के वो काम अब नहीं हो रहे हैं। किसान के खाते में 160 रुपया है, कर तो माफ हुआ नहीं, गेहूँ के 160 रुपया है, मेरा किसान भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी नेता पुत्रों की मीटिंग को लेकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नेता पुत्रों को लोगों की परेशानियां जानना भी सिखाएं, सिर्फ बैट बल्ला सिखाने से कुछ नहीं होने वाला। मीटिंग छोड़कर बीजेपी नेता पुत्रों को लोगों की सहायता करने जाना चाहिए। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह 15 साल में प्रदेश में कोई कार्य नहीं किया है, चाहे वह किसानों का मामला हो या कोई और। बीजेपी नेता पुत्रों की मीटिंग को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि मीटिंग छोड़कर नेता पुत्रों को जनता की परेशानियां जाननी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। आकाश विजयवर्गीय के बल्ला कांड को आड़े हाथों लेते हुए शर्मा ने कहा कि बीजेपी सिर्फ बैट बल्ला चलाना सिखा रही है। बीजेपी के जितने भी नेता पुत्र हैं या तो वो बल्ला मारेंगे कर्मचारियों को, अधिकारियों को, या लोगों को भ्रमित करेंगे। अभी करना ही है, आना है, तो ये जो लोग परेशान हो रहे हैं बाढ़ में उनके बीच में जाएं काम करें। अभी मीटिंग करके स्ट्रेटजी बना रहे कि कांग्रेस को कैसे घेरेंगे। ये कांग्रेस के लिए कहते थे कि इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, तो ये कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते थे। ये सब चुने हुए प्रतिनिधि थे हमेशा और खुद उसी लाइन पे चल रहे हैं। ये इनके कहने के बोल अलग होते हैं और करने के बोल अलग होते हैं। पीसी शर्मा ने बीजेपी नेता पुत्रों को राजनीति में आगे बढ़ाने को लेकर भी निशाना साधा और कहा बीजेपी ने हमेशा गांधी परिवार पर परिवारवाद के लिए बयान दिए हैं, जबकि गांधी परिवार जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। अब बीजेपी नेता खुद अपने पुत्रों को राजनीति में लाकर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में नशीली कफ सिरप बेच रहे एक युवती और एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई कॉरेक्स सिरप की कीमत हजारों में बताई जा रही है। ये दोनों ही मामले रीवा के हैं। रीवा में लोग कफ सिरप से नशा कर रहे हैं। रीवा में एक युवती और एक युवक को कॉरेक्स कफ सिरप बेचते पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक आबिद खान के निर्देश में की गई कार्यवाही को सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने अंजाम दिया। पकड़ी गई युवती का नाम आशा विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जिसके पास से 316 बोतल नशीली सिरप बरामद किया गया है। नशीले सिरप की कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है। ये महिला आशा विश्वकर्मा, पिता बब्बू विश्वकर्मा, रतहरा की निवासी है।
इसके खिलाफ कई दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि अवैध रूप से ऑनरेक्स जो कि युवा वर्ग द्वारा बहुतायत मात्रा में नशे के रूप में उपयोग किया जा रहा है, इसका अवैध रूप से विक्रय करती है, जिसके हर दबिश देकर के 316 सीसी कीमती करीब 36,000 रुपये की फोरेक्स पकड़ी गई है। दूसरी ओर अतरेला पुलिस ने एक युवक को नशीले कफ सिरप के साथ पकड़ा। थाना प्रभारी आर एस सिंह ने बताया कि ग्राम पटेहरा से फरार आरोपी विधि चंद्र गुप्ता को दबिश देकर पकड़ा गया, जो अपने पास एक झोले में 70 शीशी कोरेक्स लिए घूम रहा था। सिरप को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से कोरेक्स का अवैध कारोबार कर रहा था। इसके विरुद्ध पूर्व में भी कई मामले कायम हैं। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आरोपी पर ड्रग्स कंट्रोल एक्ट और औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अभी हमने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और आज ही करीब 80 सीसी कोरेक्स हमने जब्त किया है और कार्रवाई की है, उसमें अपराध की कायमी हो गई हमारे यहाँ। कृषि विभाग ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण एवं जागरूकता अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में चौपाल का आयोजन किया। आयोजन में किसानों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के बारे में बताया गया और खेती किसानी की तकनीकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित निराकरण आदि विषयों पर जानकारी दी गई। मृद स्वास्थ्य कार्ड वितरण एवं जागरूकता अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में चौपाल का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा फसलों में हो रहे पोषक तत्वों की कमी से निपटने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हरदा द्वारा ग्राम पंचायत मगरधा व रैसलपुर में मृद स्वास्थ्य कार्ड जागरूकता एवं वितरण अभियान के तहत चौपाल का आयोजन किया गया। इसके तहत विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिक मुकेश बंकोलिया द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि संगोष्ठी तथा कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश में। इसके तहत पंचायत में जो है किसान गोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उसको कैसे पढ़े कैसे समझे और मृदा में पोषक तत्वों की कमी के क्या लक्षण है, पोषक तत्व का उपयोग कितना कैसे करना चाहिए, संतुलित उर्वरक का उपयोग कैसे करें, साथ ही समसामयिक समस्याएं किसानों की जैसे कीट आदि लगी हुई है उस पर क्या निदान है। चौपाल में फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एवं निदान, मृदा नमूना एकत्रीकरण प्रक्रिया व मृदा परीक्षण, मृदा उर्वरता में जैविक कार्बन का महत्व तथा मृदा उर्वरता मानचित्र की उपयोगिता के विषयों पर जानकारी दी गई। चौपाल चर्चा के दौरान रैसलपुर गांव के किसान राजेश बड़ोदिया द्वारा अधिकारियों को मक्का फसल में बीमारियां लगने की समस्या बताई, जिस पर जिला अधिकारी चंद्रावत ने भी देरी नहीं करते हुए किसान के खेत में पहुंचकर खराब हो रही मक्के की फसल का जायजा लिया और उचित दवाई डालने की समझाइश दी। धार में एक तेज रफ्तार से जा रही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 3 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। धार के धर्मपुरी मुनि आश्रम के पास एक निजी बस तेज गति से जा रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि बस के 2 टुकड़े हो गए। बताया जा रहा है कि निजी बस मनावर से इंदौर जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। मरने वाले लोगों में 1 धर्मपुरी का और 2 मनावर के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। गणेश उत्सव को लेकर पंडालों में गणपति बाप्पा मोरिया के नारे गूंज रहे हैं। जैसे जैसे गणेश विसर्जन का दिन नजदीक आ रहा है, श्रद्धालुओं द्वारा झांकी स्थलों पर कहीं महाआरती तो कहीं बाप्पा को 56 भोग लगाए जा रहे हैं। गणेश उत्सव को लेकर संत नगर के विभिन्न चौराहों और गलियों में रोजाना झांकी पंडालों में गणपति बाप्पा मोरिया के नारे गूंज रहे हैं। जैसे जैसे गणेश विसर्जन का दिन नजदीक आ रहा है, श्रद्धालुओं द्वारा झांकी स्थलों पर कहीं महाआरती तो कहीं बप्पा को 56 भोग लगाए जा रहे हैं। संत नगर के सराफा बाजार क्षेत्र विशाल भगवान गजानंद की प्रतिमा विराजमान की गई है। रोजाना सुबह शाम बप्पा की आरती की जा रही है। इधर प्रेम रामचंदानी मार्ग पर गुजरात का प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ के स्वरूप में भगवान गजानंद की प्रतिमा अति सुंदर विराजमान की गई है। हरी हृदय सेवा समिति के नाम से हमारी झांकी लगाई जाती है और लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए ये झांकी दिखाते हुए। पिछले साल हमने यहाँ पे लालबाग के राजा के रूप में गणेश जी को बिठाया था और इस बार श्रवण कुमार के रूप में लगभग 18 से 19 फीट की मूर्ति रखाई गई है, जिसमें
जिसके लिए पंडाल की विशेष 23 फीट की हाइट रखी गई है। भगवान गजानंद के साथ रिद्धि सिद्धि संघ शिव पार्वती भी विराजमान है। कहीं भगवान गणेश को श्रवण कुमार के रूप में विराजमान किया गया है। भगवान गजानंद को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। नमस्कार, भैंड समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्लन भाई, भोपाल तो शिमला हो रही है, लद्दाख हो रही है, ये सब लगातार झमाझम पानी चल रहा है, मजा आ रही है। बता रहे हूँ पूरे ताल तलैया अल्लाह वाला सबके गेट खुल गए। मैंने सोचा कि कल चलो मैं गेट देखने जाऊँ कैसे खुलते हैं। मैं गया तो मेरे घर का गेट बंद था, निकल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने घर का गेट खोला, गणेश जी को लेने जाना था, मैं गणेश जी की स्थापना करनी थी। फिर लेके आया मैं, गणेश जी ने रास्ते में मेरे से बातचीत करी बहुत। हाँ, उनको हिचकोले लग रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे सड़कों पे। मैंने कहा चिंता मत करो गणेश जी, अभी क्या नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, सबको देख लेंगे हम, सब सुधरवा लेंगे। वो मैं बता रही हूँ असली लोकतंत्र कांग्रेस में गुटबाजी खुल के चलती है, बता रहा हूँ, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उमंग सिंघा जो मंत्री है उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। हमें बता रहा हूँ चिट्ठियाँ लिखने का जमाना है कि आप ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, ये कहाँ पुरानी चीज है चिट्ठियाँ विट्ठियाँ। और दूसरा उस पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारे यहाँ तो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल हमारी सोनिया जी चलाती थी, हमने भी रिमोट चला दिया, इसमें कौन सी नई बात है। और ये खबर ये देखो, चंद्रमा पे है जो चंद्रयान 2 हमने भेजा है, उसका अब ये लैंडर है ना अलग हो गया है, कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, बहुत पास पहुंच गया चंद्रमा के। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो कक्षा से बाहर ही निकल जाते हैं, हर बार कोई भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, इस पर कांग्रेसी नेताओं कह रहे हैं कि हमें इसरो से हेल्प लेंगे जरूर, वहाँ से कुछ नया नियम लाएंगे ताकि है ना इनके ट्वीट सही जगह पे जाएं। हाँ, भैया खबर ये देख लो, चिदम्बरम जी अभी जेल जा तिहाड़ जाते जाते बच गए। बता रहे हूँ ये नेता लोग ये जो अपनी है जो घोटाले वोटाले करते रहते हैं, आखिर में इनको अंत समय में जेल में जाना ही पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ जेलों को 5 स्टार बनाओ, बेहतरीन सुविधाएं करो, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, जब आखिरी टाइम वही निकालना है। ये खबर ये देखो मजेदार, रीवा की जो लता टंडन जी है 72 घंटे लगातार खाना बनाएंगी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है गिनीज बुक में। ये रिकॉर्ड पहले एक अमेरिकन के नाम पे था। और मैं बता रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे थे कि भैया भैया हम तो अभी रीवा में शादी करेंगे, वहाँ की लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती है। अब देखो ऐसे तो बात ही ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देते हैं लोग। और ये खबर ये देखो, बेंगलोर में एक आर्टिस्ट है वो अंतरिक्ष यात्री बन के है ना सड़कों पर उतरे, वहाँ की उबड़ खाबड़ सड़कें थी, गड्ढे थे उनमें, अब वो मैसेज देना चाह रहे थे वहाँ की सरकार को कि भैया इनका ठीक करो, ये कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और ये खबर देखो, पीएम साहब की जो चाय की दुकान है वडनगर में, जहाँ से उन्होंने चाय की दुकान चाय बेचते थे पहले, वो टूरिस्ट प्लेस बनेगा। अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो प्रहलाद पटेल जी हैं वडनगर पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने पीएम साहब की जो दुकान देखी, चाय बना जहाँ चाय बनाते थे चाय बेचते थे, उन्होंने उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा कर दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी सोच रहा हूँ पकौड़े वकौड़े ही डाल लूँ दुकान, कहीं हाँ भविष्य में पीएमईएम बन गया तो। हाँ, ये खबर ये देख लो कि ट्रैफिक नियमों में बड़ा है ना बदलाव हो गया है, केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए हैं। हेलमेट नहीं पहनोगे 1000 रुपये, शराब पी किया वो 10000 रुपये, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलो 5000 रुपये। और मैं बता रही हूँ ये नौबत क्यों आती है, एक अच्छे नागरिक बनो ना, हेलमेट खरीद लो 1000 रुपये में, तो बढ़िया हेलमेट आ जाएगा, वो पहन के अपनी भी जान बचाओ दूसरों की भी बचाओ। ये कट मार के निकलती हैं ऐसे, कहीं ओवरटेक करेंगे, लाल बत्ती का कोई ख्याल नहीं रखेंगे। एक अच्छे नागरिक बनाओ यार, जरूरत ही नहीं पड़े जुर्माना उर्माने की। हाँ, वो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, अब मुझे पता है क्यों कर दिया है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कहाँ से इतना लोग पीस देंगे बताओ, मंदी चल रही है, ये तो चल रहा है। और मैं तो चला भैया, मैं अपना लाइसेंस रिन्यू करा लूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक,
ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक